और जैसे ही आदेश आए परवेज मुशर्रफ कोर्ट परिसर से भागे हैं, अपने पूरे बुलेट प्रूफ कॉन्वॉय को लेकर तुरंत कोर्ट परिसर से वो फरार हो गए। और ये तस्वीरें देख रहे हैं, आदेश के बाद की तस्वीरें हैं। अफरा तफरी मची थी, अचानक अपनी गाड़ी में बैठे, बुलेट प्रूफ बख्तरबंद उनकी गाड़ी, उस गाड़ी में बैठकर वो वहां से फरार हो गए। गिरफ्तारी का डर था क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बेल याचिका, जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसका फायदा उठाया और फायदा उठा के परवेज मुशर्रफ वहां से निकल गए। हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि परवेज मुशर्रफ साहब की, हाई कोर्ट ने मुशर्रफ की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे और उस आदेश को जैसे ही सुनाया गया और उसके बाद कोर्ट परिसर से ही मुशर्रफ अपनी याचिका के खारिज होने के बाद फरार हो गए। अपने गार्ड्स के साथ अपनी बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर वो चले गए। 2009 अगस्त से जजों को बंधक बनाने का केस चल रहा था और उसी केस में जमानत ली हुई थी, जमानत की याचिका खारिज हुई और मुशर्रफ तुरंत, देखिए वो काल रंग की गाड़ी में, बख्तरबंद गाड़ी है, वो भाग खड़े हुए। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। विजय, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आदेश था, जमानत याचिका खारिज हुई और जानकारी ये है कि याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट परिसर से भागे हैं मुशर्रफ। हाँ, यही बात हैरानी करने वाली है कि परवेज मुशर्रफ जो पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष रहे, सेना के प्रमुख रहे, वो जब कोर्ट के अंदर आते हैं और कोर्ट उनकी गिरफ्तारी का आदेश देता है उस मामले में, तो वो किस ढंग से वहां से